उसे लिखने का शौक हुआ, परफॉर्म कर रहा हूँ, तो साथ दीजिएगा बस। कि आज जो है शायरी का और मोहब्बत का जो रिश्ता है वो आपस में बहुत गहरा है। तो उसमें लिखा है कि कितनों को लगता है कि मोहब्बत में रेस्पेक्ट बहुत जरूरी चीज होती है, सबको लगती है। तो उस पर लिखा है कि जुबां चाहे चुप हो तुम्हारे, जुबां चाहे चुप हो तुम्हारे, आंखों ने कत्लेआम कर रखा है। लोग मरते होंगे अदाओं पे, मुझे तो तुम्हारे अंदाज़े एहतराम ने गुलाम कर रखा है। तो दूसरा जो लिखा है वो दिल की, दिमाग की और रूह की बातचीत है। तो उस पर लिखा है कि धीरे धीरे फिर बेकाबू हो रहा ये दिल, धीरे धीरे फिर बेकाबू हो रहा ये दिल, तो मैंने दिल से कहा कोई होगा उसका चाहने वाला तो किसी और से जाके मिल। दिल ने जवाब दिया तो लगा दिमाग भूल मत मैं हूं दिल। तो मैंने पूछा तो क्या करेगा अब, दिल ने कहा मोहब्बत बिना बताए बिना जताए। मैंने कहा देख मुश्किल होगा सफर, दिल ने कहा अब तो कबूल है गर जो वो खिलाए अपने हाथों से जहर। मैंने कहा ऐसा क्या है उसमें, दिल ने कहा कैसे बताऊं नहीं देखा किसी और में। मैंने कहा कुछ तारीफ तो कर उसकी, तो दिल ने कहा कर दी जो तारीफ उसकी मर जाएगा तू अभी उस पर। तो ये दूसरा था। और तीसरा जो है मर्द जो होते हैं वो थोड़े सख्त मिजाज होते हैं। तो उसपे लिखा है कि लेकिन किसी किसी औरत के लिए फिर जो है उनकी पर्सनैलिटी ही बदल जाती है बिल्कुल। तो उसपे लिखा है कि एक बार हाँ तो कहो, एक बार हाँ तो कहो फिर मैं बर्बाद से आबाद हो जाऊं। सख्त मिजाज का मालिक हूं पर कैसा हो के तुम्हारे लिए नजर झुकाऊं। जमाने की आवाज से चिढ़ता हूं, क्यों ना यूं हो कि तुम्हारी आवाज सुन के मुस्कुराऊं। वैसे मुझे कोई लड़की जल्दी पसंद नहीं आती, वैसे मुझे कोई लड़की जल्दी पसंद नहीं आती, पर अब दिल करता है कि काश तुम्हें पसंदीदा औरत का खिताब दे पाऊं। फोर्थ वन इज अबाउट, आजकल लड़कियां कहती हैं ना कि हमें शादी नहीं करनी, कि हमें आजाद रहना है ना, वो उससे डरती हैं थोड़ा सा। हाँ तो उससे थोड़ा सा डरती हैं। तो उसी पे लिखा है कि वो कहती है मुझे निकाह में यकीन नहीं, कि वो कहती है मुझे निकाह में यकीन नहीं, मैं किसी को अपनी कैद का हक नहीं देना चाहती। बताओ कितनी नादान है, मेरे जज्बात को कैद का नाम दे रही है। मैं तो साथ मिलकर खुद आजाद होना चाहता हूँ और वो मुझे जेलर बता रही है। तो पांचवा जो लिखा है, अचानक से कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनके साथ आपका मतलब बहुत अच्छा रिश्ता बन जाता है, फिर बाद में उनसे मिल के सुकून मिलता है दिल को। तो उस पे लिखा है न जाने तू कहाँ से आई, क्यों मैंने रिश्ते का आगाज किया और क्यों तूने लफ्जों का सहारा दिया। मैंने आगाज किया सही पर तुम्हारे लफ्जों ने रिश्ता निभाया है। शुक्र अदा करूँ कैसे तेरा, दुआओं में शामिल कर लेता हूँ। मुलाकात की बात क्या कहूँ, मुकद्दर में जितनी मुलाकात उतनी सही। हर मुलाकात का एहसास यूं था, हर मुलाकात का एहसास यूं था, जब जब तुमसे मुलाकात हुई तब तब लगा जिंदगी में अब कोई बात हुई। ऐसा लगता है हमेशा मिल के तुमसे जैसे रोजा खोला हो और इफ्तार में पहली घूंट की शुरुआत हुई। अब लास्ट वन जो है वो मतलब मेरा फेवरेट है, और दो फेवरेट है, दोनों सुना देता हूँ। तो एक है कि ये बस सुनो, मोहब्बत पे ही है, फीलिंग्स है दिल की बस। दिल करता है तुम्हारी गोद में सर रख के, दिल करता है तुम्हारी गोद में सर रख के थोड़ी देर आराम कर लूँ। तुम्हारी आंचल ओढ़ के इस बेचैन दुनिया से पर्दा कर लूँ। तुम्हारी जुल्फों से खेल के कुछ पल खुशियों से नाता जोड़ लूँ। तुम्हारी जुल्फों से खेल के कुछ पल खुशियों से नाता जोड़ लूँ। मेरे पास वैसे सिर्फ अंधेरा है, मेरे पास वैसे सिर्फ अंधेरा है, आंखों में झांकने दो तो तुम्हारी आंखों की नूर में आने वाले कल का नक्शा पढ़ लूँ। दिल करता है तुम्हारी गोद में सर रख के थोड़ी देर आराम कर लूं। चार लाइन है आखिरी, वो सुना देता हूं। यार ये नहीं कि मोहब्बत बता के इजहार करो, यार ये नहीं कि मोहब्बत बता के इजहार करो, हमारी आदत है आंखों से दिल पढ़ने की, तो हो सके तो आंखों में ही इकरार करो। देखो ऐसा है हर लहजे से प्यार झलकना चाहिए और उन लहजों से मुझे बेकरार करो। थैंक यू सो मच एवरीवन।